हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ देशवासियों के बेहतर भविष्य के लिए देश में उपलब्ध हर संसाधन का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हम देश को पॉलिटिक्स ऑफ प्रॉमिसेस के बजाय पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की तरफ ले जा रहे हैं। चुनाव है तो नई रेल लाइन का ऐलान कर दो, चुनाव है तो नए हाईवे का ऐलान कर दो, चुनाव है तो कर्ज माफी का सपना दिखा दो, चुनाव है तो गरीबी हटाओ का नारा उछाल दो। ये देश बहुत देख चुका है, लंबे अरसे से यही देखता आया है। साथियों, पहले की सरकारों के समय हमारे यहां सैकड़ों ऐसी नई ट्रेनों का ऐलान किया गया और पार्लियामेंट में बोली गई हुई हर बात की एक सेंटिटी होती है। पार्लियामेंट में बोला गया और तालियां टेबल थपथपाए गए और सब एमपी ने अपने इलाके में जाकर के भी घोषणा कर दी कि हमारे इलाके में ट्रेन आने वाली है। और आप हैरान होंगे, बहुत सारा ऐलान किया गया, बहुत ट्रेनों का ऐलान किया गया, लेकिन एक भी ट्रेन शुरू नहीं हुई। और मैं 30-40 साल का हिसाब दे रहा हूं। मैंने आकर के कुछ तो ऐसे घोषणाएं देखी जो 30-40 साल पहले हुई है, लेकिन कागज पे वो रेल लाइन की पटरी कहां होगी ये कागज पे भी पेंट किया हुआ नहीं है जी। जमीन की बात छोड़ो, आप हैरान हो गए आज मुझे 30-30, 40-40 साल पुराने लाखों करोड़ के रेलवे और हाईवे के प्रोजेक्ट्स पूरे करने की मशक्कत करनी पड़ रही है। उस समय जो किया गया, क्या वो बेटर टुमारो के बारे में सोचकर किया गया? जी नहीं। कोई सरकार हो, केंद्र की या राज्य की, उस पर यह दबाव होना चाहिए कि उसे परफॉर्म करना ही पड़ेगा। और मैं जानता हूं कि यह दबाव हमने खुद आगे बढ़कर अपने ऊपर लिया है। आप पत्थर पैर पर पड़, ये मैं कर रहा हूं खुद जो करके। आज देखिए मीडिया में जितने विषयों पर हमारी आलोचना होती है वो सारे विषय हमने सेट किए हुए हैं। हमने कहा है कि हम ये करना चाहते हैं तो कोई हमें पूछेगा भाई बताओ क्यों नहीं हुआ। और अच्छी बात है, ये दबाव जरूरी है। एक नए कल्चर को हमने प्रमोट किया है, लेकिन इसी ने, और मैं मानता हूं ये रिजल्ट देने का रास्ता यही है, दबाव बढ़ेगा, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ेगी और लोगों का बेटर टुमारो सुनिश्चित करने में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। साथियों, देश के बेटर फ्यूचर की चिंता थी, इसलिए ही हमने देश में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। और अब उतनी ही शक्ति से हम जल जीवन मिशन की शुरुआत कर रहे हैं।